हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लेस डिज़ाइन। बहुत प्यारी डिज़ाइन है, इसे हम दो कलर में बनाएंगे, वाइट और पिंक कॉटन थ्रेड से। यहाँ पे मैंने पहले बेस बना लिया है। इसके लिए यूज़ कर रही हूँ 90.85 mm की नीडल। तो अभी इसे हम बनाना शुरू करते हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पे नॉट बना लिए हैं। पहले गैप में अटैच करने के बाद तीन चेन बनाएंगे, दूसरा गैप छोड़ के तीसरे गैप में डबल क्रोशिया, एक चेन, अब ये जो गैप बन गया है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से डबल क्रोशिया उसी जगह पे, यहाँ पे चार बार डबल क्रोशिया बनाना है। चार बार बनाने के बाद दूसरे गैप में सिंगल क्रोशिया, इसको टर्न कर लेंगे और यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे, तीन तीन चेन बनाने के बाद ये चार डबल क्रोशिया है, तो एक गैप छोड़ के दूसरे गैप में डबल क्रोशिया, दो चेन। अब ये जो लास्ट गैप है उसमें डबल क्रोशिया, अब फिर से इसको टर्न कर देंगे और तीन चेन बनाएंगे, तीन तीन चेन बनाने के बाद इसके ऊपर वाले गैप में डबल क्रोशिया, दो चेन, यहां पे इस गैप में डबल क्रोशिया, एक गैप छोड़ के दूसरे गैप में डबल क्रोशिया, दो चेन और यहां पे चार बार डबल क्रोशिया,
चार बार डबल क्रोशिया बन गया और दूसरे गैप में सिंगल क्रोशिया आप बनाएंगे। अब इसको टर्न करने के बाद फिर से तीन चेन, एक गैप छोड़ के दूसरे गैप में डबल क्रोशिया, दो चेन और इसके लास्ट गैप में डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे, इस गैप में डबल क्रोशिया, फिर से दो चेन, दो चेन बनाने के बाद ये डबल क्रोशिया, एक गैप छोड़ के दूसरे गैप में डबल क्रोशिया, इस तरह से बना लिए हैं। अब हम पिंक कलर से बनाएंगे। यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ से शुरू किए थे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया और ये जो गैप है यहाँ पे गैप में सिंगल क्रोशिया तीन बार बनाएंगे। तीन बार सिंगल क्रोशिया और एक यहाँ पे इस गैप में सिंगल क्रोशिया, उसी जगह पे एक बार और सिंगल क्रोशिया, दूसरे गैप में सिंगल क्रोशिया, तीन चेन। तीन चेन बनाने के बाद वापस से उसी जगह पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, अब यहाँ पे एक छोटा सा बीड लगाएंगे, जो एक चेन बनाए थे वहां पे सिंगल क्रोशिया, फिर से तीन चेन बनाएंगे और उसी गैप में सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, दूसरे गैप में ये जो दूसरा गैप है दूसरे गैप में दो बार सिंगल क्रोशिया, इस गैप में सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे दो बार सिंगल क्रोशिया,
दूसरे गैप में एक बार सिंगल क्रोशिया, इसके बाद तीन चेन, फिर से सिंगल क्रोशिया, एक चेन। अब वापस से बीड लगाना है। बीड लगाने से पहले जो एक चेन बनाए थे, तो बीड लगाने के बाद उसी में सिंगल क्रोशिया, तीन बार चेन, सिंगल क्रोशिया, दूसरा गैप जो है इसमें दो बार सिंगल क्रोशिया, ये जो बड़ा गैप है उसमें सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, उसके बाद तीन चेन, वापस से सिंगल क्रोशिया, दूसरे गैप में दो बार सिंगल क्रोशिया, इस तरह से बनाना है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी डिज़ाइन। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। फिर इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।